शाम को ना मैं चली जाऊंगी घर वापस। पहले खाना तो खा लो और फिर हमने शॉपिंग की तो जाना है। उससे पहले तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवाना है ताकि प्रॉफिट आ सके तुम्हारा हर महीने। तुम भी बड़ी ईमानदार हो। नायब की भतीजी जो हूँ। ये कौन आ गया? अम्मी आप अस्सलाम वालेकुम आए। खाना अभी लगाया है, आप भी करें नाश्ता। अरे वाह, किसी शादी हॉल से खाना आया है इतना ज्यादा? तुम लोगों को अपना फोन बंद करने की इतनी आदत क्यों है? मैं कब से कॉल कर रही थी। शरीफा बता रही थी कि तुम लोग तायबू की तरफ रहते। जी अम्मी। क्यों आनिया, कितनी दफा मना किया, क्यों नहीं मानती मेरी बात? मैंने तुम्हें मना किया था आनिया, ज्यादा मरासम रखने की जरूरत नहीं है। तुम पे मेरी बात का असर क्यों नहीं होता? आप अगर हमारे साथ रहती होती तो और बात होती। सारी बातें मानते आप हैं लेकिन ऐसा नहीं है। तो सलीम से शादी करने के बाद मेरा तुम दोनों से ताल्लुक खत्म हो गया? हानिया, तुम जानती हो कि कोई मसलहत थी तो मैंने तुम्हें तुम्हारे ताया से दूर रखा था। अच्छा बताओ, दानियाल को शादी के लिए इनकार तुमने क्यों किया? अम्मी प्लीज, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बस करें, इसरार करना बंद कर दें। मुझे नहीं करनी दानियाल से शादी। आप हमें तायाबू से भी मिलने से मना करती हैं, सब जानते हुए भी अनजान बनती हैं। क्या मतलब है इस बात का? अम्मी आप वो सब छोड़ें, आप नाश्ता करें। तुम तो चुप करो, कल से यहां बैठी हो अपने शौहर से झूठ बोल के, फिर कहोगे कि ससुराल बुरा है। हानिया से बात कर रही हूँ अभी मैं। आप जानती हैं दानियाल कौन है? ताया अबू का बेटा। इसमें क्या बुराई है? प्यार करता है तुमसे, शादी करो और अलग हो जाओ। अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक बेटे को दौलत के पीछे उसके माँ बाप से अलग नहीं कर सकती। आपका जो इंतकाम है आपने लेना है तायाबू से, वो आप खुद सामना करें उस सबका। मुझे इस्तेमाल मत करें, सोले आप बर्तन उठा लेना। हमेशा से ही खुद सर लड़की है, कभी अपना ठिकाना नहीं बना सकती। अच्छा रिश्ता था, हाथ से निकाल दिया। अम्मी लेकिन शादी सिर्फ एक से तो नहीं होती ना, पूरे खानदान के साथ रिश्ता निभाना पड़ता है। आपने भी तो मेरा यही कह के रिश्ता करवाया था ना शहजाद से, कि बहुत अच्छा लड़का। अपनी हरकतें देखिए, तुमने निभाओ। निभा तो रही हूं अम्मी, लूट कर आपके दरवाजे पर तो नहीं आई ना मैं। मैं चाय लाती हूँ।